गुड मॉर्निंग प्रेयर शुरू करें। सीधा बैठें मगर बिना तनाव के बैठें। अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें, अंदर जाती हुई सांस, फिर बाहर जाती हुई सांस, उन्हें जानते रहें। अवेयरनेस होश बनाए रखें। बिना कोई कामना किए सांस को जानते रहें। न ज्यादा सांस चाहिए न कम सांस चाहिए, जितनी आ रही है जितनी जा रही है उतनी चाहिए। पूरे स्वीकार भाव के साथ चलता रहे। प्यारे पावन खोजियों, सभी आंखें बंद करें। प्रार्थना की तैयारी करें। सभी पावन हैं। रावण रोग है, पावन इलाज है। दिल से इस बात को स्वीकार करें और तरंगों को प्रसारित करें। सभी पावन हैं। ऐसा न सोचें कि हम कैसे पावन हो सकते हैं। जो आपको क्रिएट करना है वह वर्तमान में कहना है। इसलिए साहस से कहें, सब अच्छे हैं, विश्व के सारे लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं। अच्छाई और सच्चाई को स्वीकार कर रहे हैं। किसी में दोष नहीं है, सब अदोष अवतार हैं। सभी प्योर खालिस हैं। सभी अवतार हैं, ईश्वर के अवतार हैं। सभी ईश्वरीय गुणों को प्राप्त कर रहे हैं। सभी ईश्वरीय स्वास्थ्य प्राप्त कर रहे हैं। सभी ईश्वरीय रचनात्मकता प्राप्त कर रहे हैं। पूरे दिल से कहें, सभी अवतार हैं, सभी को नमन है। आप जिस चीज को पुकारोगे वह चीज जागृत होगी।
सभी के अंदर चैतन्य है, उस चैतन्य को पुकारें। पुकारो ईश्वर को तो लोगों में ईश्वर जागृत होगा। पुकारो स्वास्थ्य को, सभी में स्वास्थ्य प्रकट होगा। प्रार्थना बीज में, जिसको पुकारोगे वह वृक्ष बनेगा, वह प्रकट होगा। अपने अंदर भी ईश्वर को पुकारो, अपने शरीर को भी ब्लेसिंग्स दो, दुआ दो, उसको भी प्यार से छूकर प्रेम व्यक्त करो, अपना धन्यवाद प्रकट करो। सभी अपने शरीर को प्यार से छूकर क्षमा मांगें और फिर धन्यवाद दें। अच्छा कार्य करने के लिए धन्यवाद दें। विश्व के हर जीव के शरीर को धन्यवाद। सभी ईश्वर की इच्छा अनुसार अभिव्यक्ति करें और संतुष्टि पाएं। यह हर एक का जन्मसिद्ध अधिकार है। सभी को यह अधिकार मिल रहा है। हे परमात्मा, आपकी इच्छा अनुसार, दिव्य योजना अनुसार रोग समाप्त हो रहा है। रावण रोग समाप्त हो रहा है। पावन इलाज शुभ्र प्रकाश के साथ सब पर छा रहा है, सब पर छा रहा है। अंत में तपर्पण के साथ मुद्रा में समर्पण करें, हाथों को जोड़कर मिलाकर। फिर प्रार्थना की समाप्ति करेंगे। ध्यान के अंत पर जो ध्यान में बैठे रहना चाहते हैं वे ध्यान जारी रखें, जो आगे के कार्य में जाना चाहते हैं वे ध्यान समाप्त करेंगे।